जय गुरु। आज जगत जननी श्री श्री वर्मा की 128वीं जन्मतिथि है। उनके चरण में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज इसी अवसर पर श्री श्री वर्मा की कुछ बातें आलोचना करते हैं। श्री श्री वर्मा के ऊपर परिवार के लोगों के अलावा अनन्य परिजनों के देखभाल का भी दायित्व था। इसके साथ ही साथ घर में अतिथियों के आने जाने का तांता भी लगा रहता था। किसी किसी दिन तो अतिथियों की संख्या 100 से भी ज़्यादा हो जाती थी। श्री श्री वर्मा पर सभी को खाना बनाकर खिलाने का दायित्व था। वह अकेला ही यह दायित्व पूरा करती थी। यही था उस घर के वधू का कर्तव्य। इसी परिवार का आवश्यक पालनीय अनुशासना, सभी लोगों को खिलाने के बाद यदि खाना बचता था तो खाती थी, नहीं तो भूखे पेट रह जाती थी। कई बार दोपहर में सबको खिलाने पिलाने का काम समाप्त करके अपना खाना खाने बैठती थी कि ठीक उसी तक कोई भूखा व्यक्ति आता तो उसके खाने का इंतजाम करना पड़ता था। आज की तरह उसी समय तो गैस की कोई व्यवस्था नहीं थी, लकड़ी या कोयला जलाकर खाना बनाना पड़ता था, जिसमें मेहनत और समय ज़्यादा लगता था। श्री श्री वर्मा खाना आरंभ नहीं की थी, इसलिए स्वयं भूखे रहकर अपना खाना अतिथि को खिला देती थी। स्वयं भूखी रह जाती थी या कुछ मुड़मुड़ा खाकर पानी पीकर संतुष्ट हो जाती थी। इसी तरह जो कितना दिन बीता होगा उसका कोई हिसाब नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सब व्यंजन समाप्त हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा भात बचा रह जाता था। श्री वर्मा को नाम मात्र का भात खाकर सारा दिन बिताना पड़ता था। वे कहती थी कि पारिवारिक जीवन में कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है, परंतु किसी भी तरह के कष्ट का प्रभाव उनको प्रभावित नहीं कर पाया था। जय गुरु।